अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल जज़ीरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साजिद राना। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां मियां तालब हुसैन के मुताबिक हलका पीपी 263 के उम्मीदवार एमपीए चौधरी अब्दुल अजीज अली शेर का गुज़श्ता दिनों खानपुर से अगवा होने वाले बच्चों की बाजियाबी पर डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल को वेलकम करने के अलावा खास तौर पर डॉक्टर हसन साबका MS को तिली मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात उम्मीदवार हलका पीपी 263 चौधरी अब्दुलअज़ीज़ अली शेर से करवा रहे हैं और ये इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो गुज़श्ता दिनों बच्चे अगवा हुए थे उनके बारे में ये अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। जी चोर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल जज़ीरा चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर हसन साहब खानपुर के उनके बच्चे गवाए हुए थे, वो पहले MS भी रह चुके हैं अस्पताल के, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको बच्चों को सही सलामत उनके पास ले आए हैं। और अच्छा साहब, मुझे ये बताएं, आप DPO रहीमयार खान के बारे में कोई अहम मैसेज देना चाहेंगे? DPO रहीमयार रिजवान गोंदल साहब हमारे बहुत अच्छे DPO हैं और इनके आने से हमारे जराय में बहुत सारी कमी हो गई है रहीमयार में, और ये इनकी काविशों से और इनकी कोशिशों से ये बच्चे इंशाल्लाह वाजब हो गए हैं और इन बच्चों को इनके वालदान के पास पहुँचा दिया गया है और इनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत अच्छे DPO हैं हमारे रहीमयार में, और कच्चे में भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारा इन्होंने इंशाल्लाह ये जराय को कम कर दिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला इनको इससे भी ज़्यादा कामयाबी दे। और हमारे DPO साहब बहुत अच्छे और नई आदमी हैं। जी नाज़रीन, आपने चौधरी अब्दुलअज़ीज़ अली शेर की बातें सुनी हैं। कैमरा टीम के साथ मियां तालब हुसैन, अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल, रहीम यार खान। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv।